हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारे वुमेन को ये स्ट्रेस होता है कि डिलीवरी के बाद वो अपने बेबी को कैसे फीड कराएं, क्योंकि उनको मिल्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। सो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन और ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। आपके बेबी को आपको 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना है, क्योंकि जिससे कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अगर आपको बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तब भी आपको 2 to 2 hourly अपने बेबी को लैच ज़रूर कराना है, यानी कि बेबी को अटैच ज़रूर कराना है अपनी ब्रेस्ट से। उससे क्या होगा कि जब बेबी सक करेगा तो उसकी वजह से मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको 1-2 बूंद भी मिल्क आए या फिर बिल्कुल भी ना आए, तब भी आपको हर 2-2 घंटे पर बेबी को अटैच ज़रूर कराना है। उससे क्या मिल्क का सिक्रीशन हो सकता है कि आपको अच्छे से होने लगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी का पेट नहीं भर रहा है, तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो अब आपको अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है या फिर क्या टिप्स फॉलो करनी है, जिससे कि मिल्क का सिक्रीशन अच्छे से हो सके। तो सबसे पहला एडवाइस मैं आपको दूंगी, आपको 6 ग्लास मिल्क लेना है। मिल्क लेने से क्या होता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ में मिल्क में कैल्शियम होती है, जो आपकी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए और आपके बेबी के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उससे आपकी बोन्स स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। सेकेंडली, आप मेथी के सीड्स ले सकते हैं। आप थोड़ी सी मेथी रात को या तो भिगो के छोड़ दें और सुबह ले लें, या फिर 2-4 दाने आप जो भी बनाएं उसमें डाल दें। उससे ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। तीसरा, आप अजवाइन का पानी ले सकते हो या फिर अजवाइन ऐसे ही खा सकते हो। इससे ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को इंक्रीज करने में तो हेल्प मिलती ही है, साथ में बच्चे के जो पेट में दर्द होता है, यानी कि कोलिक वगैरह होता है, उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। फोर्थली, आप क्या ले सकते हो, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रूवन है और बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, जिसको कि हम शतावरी बोलते हैं। आप वो भी या तो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में आती है, आप वो ले सकते हो। उससे ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन तो इंक्रीज होगा ही, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। कई बार प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जो होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करता है शतावरी, तो आप वो ले सकते हो। साथ ही साथ में आप रॉ पपाया ले सकते हो। रॉ पपाये में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। आप या फिर पम्पकिन सीड्स ले सकते हो। आप अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। साथ ही साथ में पम्पकिन सीड्स ले सकते हो आप, और आप कैरेट ले सकते हो या फिर लौकी ले सकते हो, जिसको कि बॉटल गार्ड बोलते हैं। उसकी हेल्प से भी ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। या फिर आप ओट्स ले सकते हो। तो ये सब कुछ फूड्स हैं जो कि आपको ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आप अपने बेबी को प्रॉपरली फीड करा सको। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।